तो गाइस आज मैं करने वाला हूँ मोटो ब्लॉगिंग, एंड मोटो ब्लॉगिंग पहली बार कर रहा हूँ अपने लाइफ में, तो देखते हैं एक्सपीरियंस क्या होता है। अगर मेरे हिसाब से अगर आप लोग कमेंट करना, अगर आप लोग को अच्छा लगे मेरा मोटो ब्लॉगिंग, एंड मोटो ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग दोनों करूँगा, मतलब जो है साथ में करूँगा, ये नहीं कि वो ब्लॉगिंग बंद कर दूँगा, दोनों साथ में रहेगा। तो ये रही मेरी सुपर बाइक, देख सकते हो भाई, सुपर बाइक ही मैं मानता हूँ इसको, ठीक है ना, लोगों को जो लगे, बट मेरे लिए सुपर बाइक ही है। कुछ दिन बाद ले सकता हूँ आप लोग के सपोर्ट के थ्रू, अगर आप लोग सपोर्ट करते हो अच्छा, तो लूँगा, सुपर बाइक भी लूँगा और अच्छे से ट्रैवल करूँगा, दूर दूर जाऊँगा। बट अभी जितना मेरे से हो सकेगा आप लोग के लिए उतना अच्छा अच्छा मतलब ब्लॉग बनाऊँगा, मोटो ब्लॉग बनाऊँगा। तो ये रहा मेरा सेटअप, एंड आपको मैं एक ट्रायल दे देता हूँ, देखता हूँ कि कैसा होता है मोटो ब्लॉगिंग। एंड अभी देख सकते हो टैटू में बनवा हूँ कैसे, हाथ पे टैटू नहीं है भाई, पेन से स्क्रैच किया हूँ इसको। तो गाइस चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपना मोटो ब्लॉगिंग। एंड देख सकते हो आप मेरा ये सेटअप, एंड ये मेरा भाई भी आलोक भी साथ में आया है मेरे, सपोर्ट करता है मेरे को, मतलब ऐसे कहीं जाते थोड़ा सा मेरा सूट वूट कर देता है, तो वो सब अलग बात है, करेगा ही, नहीं करेगा तो लात खाएगा। तो चलते हैं भाई, सब सेटअप हो चुका है, एंड दिखाते हैं आपको वीडियो क्वालिटी कैसी आती है। आइडिया रोड कितना अच्छा है, सामने रोड आप देख सकते हो, पूरा रोड क्लियर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं फर्स्ट इंप्रेशन और मेरे मोटो ब्लॉगिंग का, फिर अगर आपको अच्छा लगे तो आगे बताना, मैं इसको भी इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं, तो गाइस लेट्स स्टार्ट, चलते हैं स्टार्ट करते हैं, और सुनो साउंड मेरे बाइक की, सुपर बाइक से कम नहीं है मेरी बाइक भी भाई, मैं तो अपने बाइक को सुपर बाइक ही मानता हूँ। स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, और थोड़ा स्पीड भी लेंगे, थोड़ा धीरे भी लेंगे, दोनों चूज करेंगे, ठीक है ना। तो देख सकते हो मेरी बाइक अभी, मैं मेरी बाइक की स्पीड जो है 80 हो चुकी है, एंड बाइक की स्पीड देख सकते हो आप 100 हो चुकी है, और मैं बहुत तेज बाइक चलाऊंगा नहीं, बट अभी थोड़ा सा मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि कैसा होता है एक्सपीरियंस। एंड गाइस यहाँ तक मैं आ चुका, एंड यहाँ से बाइक को मोड़ता हूँ, एंड फिर चलते हैं बैक साइड वहीं पे जहाँ से आया था मैं, देख सकते हो भाई तीन तीन चार चार लोग बैठे हैं बाइक में इधर, एंड यहाँ से बाइक अब मोड़ते हैं अपनी, एंड आगे पीछे हमेशा देख लिया करो भाई, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है मे भी, क्योंकि लोग देखते देखते नहीं है सीधा बाइक चल जा रहे हैं, ठीक है। तो स्पेशली मैं ये ब्लॉग मोटो ब्लॉग इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मुझे ही पता हो जाए कि क्वालिटी कैसी आती है, अगर आप लोग को पसंद आती है मेरी मोटी ब्लॉगिंग तो इसको आगे ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो आगे ले जाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन करूंगा इसको, ठीक है ना, मैं आप लोग को टूर करूंगा और बहुत सारे मजे, बहुत आप लोग को अलग एक्सपीरियंस दिलाऊंगा मैं मोटो ब्लॉगिंग में। खैर अभी मैं रॉन्ग साइड में हूँ, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, बट इधर की रोड इतनी बिजी नहीं है इसलिए मैं रॉन्ग साइड में हूँ, उससे कोई इश्यू वाली बात नहीं है। चेक कर लेता हूँ, देखो इसी जगह से मैं गया था, एंड इसी जगह पे मैं बाइक को फिर से रोक रहा हूँ, और देखते हैं कि क्या क्वालिटी आई है, सही आई है फिर नहीं आई है, नहीं आई होगी तो फिर इसको। सो गाइस देख सकते हो, विन खोला ही नहीं है। सो गाइस देख सकते हो मैं यहीं से स्टार्ट किया था अपना मोटो ब्लॉगिंग, और यहीं पर आके फिर रुक गया मैं, एंड चेक करते हैं क्वालिटी कैसी आई है, फिर मिलते हैं आके आपको, ठीक है। सो गाइस हम निकलते हैं यहाँ से, यहाँ पे काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया, रोड बहुत खतरनाक है भाई यार, बच गया गिरने से फिर से, एंड आपको मोटो ब्लॉग में नहीं दिखेगा जल्दी कि हम गिर रहे हैं, बैठ तो निकलते हैं रोड, यहाँ पे थोड़ा ऑफ रोडिंग ही टाइप का है मान लो, यहाँ से देखते हैं कैसे निकलता है बाइक, बाइक यार फंस जाता है बाइक ऐसे रोडों पर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लैटरिन वैटरिन लोग किए हैं यार, छी बहुत बदबू आ रहा है कसम से। अब इस चीज़ को आप सीधा देख नहीं सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ कैसी बदबू आ रही। एंड गाइस यहाँ से निकल के सीधा मेन रोड पे आते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है यार, सही रोड नहीं है थोड़ा सा। खैर मुझे भी मौका मिलता पकड़ने का, पर वहाँ अगर मैं मछली अगर पकड़ूँगा तो मैं पूरा गंदा हो जाऊँगा, मुझे कुछ भी वो नहीं रहेगा, थोड़ा पूरा 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 गंदा हो जाऊँगा। सो आप साउंड सुन रहे हो, साउंड कैसी मेरी आ रही है बताना कमेंट करके, और निकलते हैं घर यार, बहुत ही देख सकते हो मैं इधर हूँ। हाँ जो बच्चे भी आपको लोग को दिखे थे, जो बच्चे आप लोग को भी दिखे थे, वो बच्चों का घर सब इधर ही साइड है, इधर भी घर है पूरे मोहल्ले साइड, इधर जो पूरा मोहल्ला है ना सब इन लोग के परिवार का और इन लोग के रिलेशन का सबका मतलब इधर ही घर है इन लोग का, और ये मेरे घर से करीब आधा किलोमीटर भी दूर नहीं है, बहुत पास है घर मेरा, यहाँ से बहुत पास है, तो मैं आपको घर भी दिखाऊंगा यहाँ से जाने के बाद।
और भाई ये रोड देखो, ये रोड का हाल है मेरे बरगवां का। कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है, कोई किसी से कुछ मतलब ही नहीं है, सब अपना अपना देखते हैं यहाँ पे। एंड ये पुलिस भाई यहाँ पे क्या हो गया, पुलिस भी रोकी है किसी को, शायद ओवरलोड हुआ होंगे लोग इसमें तो पुलिस रोकी होगी। देखो एक पिकअप, भाई पिकअप है तो लोग इसमें भरेंगे ही ऑब्वियसली है। एंड गाइस फाइनली अपने घर हम पहुँचने ही वाले हैं, और आपको फिर एंड टू एंड बताऊँगा कि तुझे चाहता हूँ मैं शामोश। तुमसे ही हो गया मैं। सो गाइस फाइनली अपने घर आ चुके हैं हम, देख सकते हो ये मेरा घर है, आप देख सकते हो तेरा घर जाएगा इसमें, इतना महंगा घर है भाई, इतना महंगा घर है। अब तो सर बोल दे भोस। तो गाइस फाइनली आ चुका मैं। सो गाइस फाइनली मैं घर आ चुका हूँ मोटो ब्लॉग शूट करके, और जो एक्सपीरियंस लेना था सब कुछ ले लूँगा। और आपको कैसा लगा ये मेरा मोटो ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, और कमेंट करके ज़रूरी ये बता देना कि मैं मोटो ब्लॉग करूँ या ना करूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय टाटा, और मिलते हैं एक नए से ब्लॉग में। बाय।